नमस्कार, बहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश पटेल। इस समय हम उधमपुर के पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और ये मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज एक बार फिर से उधमपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे संगूर के पास मिली है। दो गाड़ियों को उधमपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन दोनों गाड़ियों में पशु तस्कर जो है पशु लाद कर कश्मीर घाटी की तरफ ले जा रहे थे। एक गाड़ी में 10 पशु हैं तो वहीं दूसरी में 9 के करीब पशु हैं। इन दोनों गाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तारीफ करनी होगी उधमपुर के थाना प्रभारी रघुवीर सिंह चौधरी की। वहीं स्थानीय लोग जो वहां मौके पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि रघुवीर चौधरी SHO जी को जैसे ही उन्होंने कॉल किया, फ़ोन किया, इसके बारे में जानकारी दी तो उन्होंने जाम लगा था, अपनी गाड़ी को छोड़ के बाइक सवार एक बाइक से लिफ्ट मांग कर इन गाड़ियों को पकड़ा है। जिस प्रकार से आज फिर से एक बार पशु तस्करी को उधमपुर पुलिस द्वारा विफल किया गया है और कुछ हमारे साथियों द्वारा हमें फ़ोन किया गया कि हाईवे के अंदर में 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो अवैध रूप से जा रही हैं, उन्होंने हमारे साथियों ने बहुत ही होशियारी के साथ इस पशु तस्करी को विफल किया। उन्होंने गाड़ियाँ पकड़ी और मौके पे हमें फ़ोन आया, हमने उसी टाइम SHO साहब को फ़ोन किया। वो देखिए कितने वहाँ पे हाईवे पे जाम लगा हुआ था, फिर भी हमारे SHO साहब जो बाइक के ऊपर आए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। बाइक के ऊपर आए, उन्होंने उन गौ तस्करों को भी दबोचा और जो गाड़ियों के अंदर गौ माताएं हमारी थी उनको भी पुलिस स्टेशन के अंदर में लाया गया। रही बात कानून की, मैंने बार बार ये प्रशासन से गुहार लगाई है, अपील की है कि कहीं ना कहीं पुलिस तो अपना काम करती है लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। किस प्रकार से जब पुलिस अपना काम करती है तो ये